रामलाल ठाकुर ने श्री नैना देवी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज देश में इतनी महंगाई हो गई है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने प्रदेश में चाहे सीमेंट के दाम हो या बिजली के या डीजल के दाम हो, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर दाम कम नहीं हुए तो कांग्रेस आने वाले समय में महंगाई के खिलाफ जोरों शोरों से आवाज उठाएगी। वहीं उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के चंगर क्षेत्र के पंचायतों को और श्री नैना देवी नगर परिषद को थर्मल स्कैनर भेंट किए। इस मौके पर उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को इसके बारे में व्यापक जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में सभी लोगों की व्यापक स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि इस महामारी से बचा जा सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर सभी लोगों का स्कैन करें ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी से मौजूदा समय पूरा विश्व जूझ रहा है और इस बीमारी से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। ऐसे में अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजर मास्क वितरित किए हैं तथा अब 46 पंचायतों को थर्मल स्कैनर वितरित किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री एवं नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने अपने बिस क्षेत्र में सातवां चरण शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में 46 पंचायतें व एक नगर परिषद है, जिनमें उन्होंने प्रत्येक पंचायत में 5 लोगों की एक टीम बनाई गई है जो कि अपने अपने पंचायत क्षेत्र के तहत आने वाले गांव के प्रत्येक घर में जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करेगी और इसके लिए प्रत्येक पंचायत में रजिस्टर लगाया जाएगा जिसमें संबंधित लोगों के नाम व पते तथा टेलीफोन नंबर भी अंकित किया जाएगा। इससे कोविड-19 का सही आंकड़ा सामने आएगा। उन्होंने बताया कि विश्व क्षेत्र के लिए थर्मल स्कैनर खरीदे गए हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड के हैं। उन्होंने बताया कि वे इस काम को बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के कर रहे हैं तथा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी ये हिदायत दे रखी है कि वे क्षेत्र के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के हैंड सैनिटाइजर मास्क उपलब्ध करवाएं। उन्होंने बताया कि पहले 6 चरणों में पूरे विधानसभा क्षेत्र में 20,000 लीटर हैंड सैनिटाइज वितरित किए गए हैं तथा 50,000 मास्क लोगों को उपलब्ध करवाए हैं। इसके अतिरिक्त पूरे क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने के लिए 30,000 लीटर सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने का कार्य 1.5 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा और उसके बाद सभी आंकड़ों को एकत्रित कर इस रिकॉर्ड को DC बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा तथा इसकी एक कॉपी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि ये अभियान कोरोना बीमारी से लोगों को बचाने के लिए शुरू किया गया है। नैना देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी का शुरू से जब हमने काम शुरू किया था और कोरोना के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कार्यक्रम अनाउंस किया था उसके बाद हमने नैना देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे पहला कार्यक्रम चलाया था जो हमने गाउन्स वगैरह बांटे थे। उसके बारे में भी हमारे जो है बड़े कड़वे अनुभव रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, होम गार्ड और कुछ पुलिस कर्मचारी और हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के कर्मचारी इंक्लूडिंग बिलासपुर म्यूनिसिपल कमेटी, वहाँ पे हमने ये बांटे थे